किया। देखा क्या बोलती पब्लिक, क्या बोली थी मैं कि फोन पे रिकॉर्डिंग वाला आइडिया एक नंबर था ना कमाल। कमाल बवाल बवाल बवाल, क्या आइडिया है। मतलब उर्मिला का आवाज रिकॉर्ड करने का, मुझे कॉल करके उर्मिला का आवाज उनको सुनाने का, वाव ग्रेट आइडिया। मतलब तुम्हारा दिमाग और मैडम सर का दिमाग एकदम जेरॉक्स कॉपी। हाँ हाँ, अरे वो तेरी हंटर वाली की शक्ल देख के क्या मजा आ रही मेरे को। हाँ देखा देखा, इतना सा हो गया था चेहरा, सबके चेहरे से तोते उड़ गए थे। बट आई हैड वन क्वेश्चन, ये गुलजार साहब की इतनी हेवी भारी ये शायरी कहाँ से आई। यार सच्ची बताऊँ ना तेरे को, तो मेरे को भी नहीं मालूम रे, उस वक्त अपने आप मुंह से ऐसे शेर निकल गया। और मेरे को क्या लगता है मालूम है, वो ट्रेनिंग के टाइम पे जो इतना हसीन दिलरुबा का ट्रेनिंग लिया था, वो गुलजार बिलजार पड़ा था बैठ के, हो सकता है सही टाइम पे सही शेर याद आया, मैंने चिपका डाला। मे बी आई हैड अनदर क्वेश्चन। कितने सवाल है तेरी, ये आखिरी है। मतलब तुम्हें कैसे पता मैडम सर चाय में आधा चम्मच चीनी लेती है। क्या बात कर रहे हैं, मैडम सर आधा चम्मच चीनी वाली चाय पीती है, ये बात मेरे को मालूम नहीं थी। हाँ ये मेरे को भी थोड़ा सा खटका, मेरा तो ऐसे ही मूड किया थोड़ा कम थी चीनी वाली चाय पीने का, इसके लिए मैं बोली। ओ इसका मतलब कुत्ता तुक्का, लेकिन इसमें से ये सब मान जाएंगे। सच्ची बोलू ना, मेरे को नहीं लगता इतनी आसानी से ये मानेंगे। ये और फालतू की चीजें करेंगे, टेस्ट बीस्ट लेंगे मेरा पता लगाने के लिए कि मैं हसीना मलिक है कि नहीं। पर मैं भी जड़ीली मूली है। कौन है जड़ीली मूली? जब तक पेट में जाकर ऐसा खलबली नहीं मचाती ना, तब तक हार नहीं मानेगी। इन सब को यकीन दिला कर रहेगी कि मैं है हसीना मलिक। जब यकीन हो जाएगा ना, उसके बाद बोलेगी सॉरी मैं तो झूठ बोल रही थी। हाँ हाँ, अरे तभी तो उन लोग को यकीन होएगा ना कि अब मैं हसीना मलिक बन के परमानेंटली इधर रहने के लिए तैयार हो गई है। ओह व्हाट अ ब्यूटी विद ड्यूटी विद टी। हम हमेशा से कहते थे कि ये मैडम सर हैं, क्योंकि जब भी ये हमारे आसपास होती थी हमें मैडम सर के होने का एहसास होता था, लेकिन तब कोई नहीं मानता था हमारी बात को। और अब जब एकदम जीवित हमारे सामने हमारी मैडम सर खड़ी है, तो हम उन्हें गले से नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या है ना, उनका हम पे से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उनके लिए अब हम सिर्फ उनका स्टाफ है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मैडम सर है। कुछ तो गड़बड़ है, हमारा दिल नहीं मान रहा है। काहे हमारे खोपड़ी का तवा बना रही हैं आप? हमारे कहने का मतलब ये है कि लाख वो कहे कि वो मैडम सर है, मगर अभी तक साबित नहीं हुआ है ना कि वही मैडम सर है। और जब तक साबित नहीं होता कि वो मैडम सर है, उसे कोई अधिकार नहीं मैडम सर की कुर्सी पर बैठने का। वो मैडम सर की कुर्सी है और उस पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैडम सर का ही है, इसलिए जाइए उसे उठाइए उस कुर्सी पर से। नहीं एक मिनट, आप ही को ना लग रहा है कि वो मैडम सर नहीं है तो आप ही जाइए ना, आप धमकाइए, आप हटाइए, हमें क्या भेज रही है। हम जाइए जल्दी, जाइए 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 जाइए। नहीं नहीं नहीं, अगर सच में वो मैडम सर निकल आई तो फिर हमारी तो नौकरी गई ना। वैसे संतु कह रही थी कि उसे विश्वास नहीं वो मैडम सर। मैंने कब कहा कि मुझे शक है? तब नहीं, अब वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है ना मैडम। अब चीते को देख लो, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मैडम सर है। हाँ, ये क्यों चपका? हाँ, मुझे क्या देख रहा है, जा चीते जा और उनको निकाल केबिन से। जा चीते, कब कहे हम संतु जी, कब कहे हम? तूने बोला नहीं लेकिन मन में तो यही सोच रहा था ना। हमारे मन का बात पढ़ ली आप, और सदियों से जो हमारे मन में लिखा हुआ है वो कब पढ़ेंगे आप? हम क्या बोल रहे हैं, बहुत 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 अच्छे समय पता चल जाएगा कि वो मैडम सर है कि मैडम सर नहीं है। अब जो भी केस आएगा ना, हम उनको बोलेंगे आप सॉल्व करो, और अगर उन्होंने सॉल्व कर दिया तो वो मैडम सर है, और अगर सॉल्व नहीं कर पाई तो उसका काम ये मैडम सर नहीं है। अरे भाई कोई है बताओ, पूरा थाना खाली छोड़ रखा है। एक मिनट, क्या हुआ चाचा, कहां है लाउडस्पीकर बने हुए हैं? केस है, कंप्लेन लिखानी है। केस है, ले चलिए। सीनियर मोस्ट मैडम सर, लिखवाए केस। बैठे बैठे, क्या ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये है हमारी मैडम सर SHO हसीना मलिक, इन्हें तो आप जानते ही होंगे ना, हमारे डिपार्टमेंट की सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर है। आपकी प्रॉब्लम बताओ यूं सॉल्व करके देंगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो ये हमारी मैडम सर है। पता है आपको, मैडम सर के होते हुए कोई भी इस थाने से खाली हाथ नहीं लौटता है, इंसाफ की देवी है वो। हाँ समझ रही हूँ ना, सब तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये केस जानबूझकर तुम्हारे पास लाए हैं। आप अपनी समस्या बता दीजिए, यूं चुटकियों में सुलझा देगी। जी बताइए क्या परेशानी है। जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है
कल नहीं। अच्छा ये परेशानी है? नहीं, मेरी इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन है जिसमें मैं काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरी बीवी। हाँ, अरे बीवी तो हर मर्द की प्रॉब्लम होती है। अब हमारे लल्ला को ही लीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, इनका तो रोज का है। प्रॉब्लम बीवी नहीं, प्रॉब्लम बीवी की है। एक लड़का है, उसका नाम रॉबिन है। वो मेरी वाइफ को बहुत परेशान कर रहा है, लव लेटर लिखता है। उसके चक्कर में मेरे घर के सामने मैदान है, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है। ये लव लेटर दिया उसने, देखिए पढ़िए कितनी गंदगी भरी है इसमें, कितना गलीज है वो। उर्मिला को तो इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है, अब इसके जरिए पता चलेगा कि उर्मिला है या मैडम सर। काफी सुंदर है। जी बहुत सुंदर है मेरी बीवी। नहीं नहीं, हम इस हैंडराइटिंग की बात कर रहे थे, काफी सुंदर है। कमाल है, आप हैंडराइटिंग देख रही हैं, जो लिखा है वो नहीं पढ़ रही हैं। पढ़िए ना मैं मैडम सर, पढ़िए ना। अब वो पुष्पा जी ऐसा कह रही हैं। कहीं है, कहीं है, पढ़िए। अच्छा तो अब आप सब हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दिन आ गए हैं कि जूनियर्स अब ये बताएंगे कि सीनियर को क्या करना है। ये लेटर आप पढ़ेंगे, आप पढ़कर सुनाइए। That's an order. You are bright. कल तक नहीं पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। क्या नाम बताए? जी रूपाली। अच्छा बहुत कोमल और गर्लिश नाम नहीं आपका? मेरी बीवी का नाम है रूपाली, मेरा नाम है अमित भटनागर। डोंट वरी, हम आपकी इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। आप अपना नाम और डिटेल्स पुष्पा जी को दे दीजिए। जी इसमें सब कुछ है। जी और आप बाहर इंतजार कीजिए, हम बस आए। जी तो करिश्मा सिंह, अपने सीनियर पर गन तानने की जो नाकाबिले माफ जुर्म आपने किया है, उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। आज से लेकर अगले 3 दिनों तक लाल चौक की ट्रैफिक की ड्यूटी आप संभालेंगे। इज दैट क्लियर? जी। चलिए। कहाँ? लाल चौक। हम जाइए जाइए पुष्पा, जाइए लाल चौक पे जाइए। वहाँ धूप धूप बहुत है, सुनिए तो। मैडम वो देखिए जो बैटिंग कर रहा है ना, वही है, वही बदमाश है जो मेरी बीवी को तंग करता है, और वो मेरी बीवी है। करे हैं व्याकुल भेड़िया, क्या देखने के लिए आया यहाँ पर? निकले, मैं सोच रहा हूँ ये देख इतने नौजवान लड़के इस अमित के वाइफ को छेड़ रहे हैं, तो मतलब उसकी वाइफ कितनी खूबसूरत होगी, ये देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे भी ताजमहल देखना है। चाव दिख ही नहीं रही है। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुम इनकी बीवी को छेड़ते हो, उनके साथ बदतमीजी करते हो, उन्हें लव लेटर्स भेजते हो, और यहाँ तुम सब मिलकर जानबूझकर क्रिकेट खेलते हो ताकि उन्हें छेड़ना आसान हो सके। नहीं मैम, क्या क्या ये लव लेटर तुमने लिखा है? मैम ये तो ठीक है, फिर तय रहा, आज से यहाँ पर क्रिकेट खेलना बंद, या कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा वरना जेल के अंदर डाल देंगे। चलो निकलो यहाँ से, सब लोग निकलो। अजी सुनते हो? yeah!
जरा इधर तो आना। मैडम मेरी वाइफ बुला रही है। ये आपकी वाइफ है? जी मैं अभी आता हूँ। हाँ 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 जाइए 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 जाइए। अरे बिलाटा मर गया, बिलाटा मर गया, मर गया मर गया। अच्छा मेरे मरने की इतनी खुशी, मर गया मर गया। तुम इधर आओ, आओ कौन में हो? एक बात बताओ, तुम इतने छोटे हो, जवान हो, तो इस उम्र में अपनी उम्र की लड़कियों को उधर खड़े रहो बड़े लोग बात कर रहे ना। यार तू कैसा लड़का है रे? अरे अच्छा खासा जवान हट्टा कट्टा लड़का है, अपनी उम्र की लड़की पटाना? अरे एक क्या तो 10 लड़कियां पटा, पर ऐसा क्या खुद की इज्जत का भाजी भाव करता रे? आंटी को पटा रहे तू? आंटी शर्म नहीं आती क्या तेरे को? सब झूठ है मैम, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा पकड़े जाने पे सब यही बोलते मैंने कुछ नहीं किया। देखो सुनो, हम यहाँ जज्बात से केस सॉल्व करने आए हैं, इसलिए कुछ कह नहीं रहे। अगली बार जेल लेकर जाएंगे और फिर समझाएंगे, और तुम जानते हो कि तब क्या होगा। चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो रे। आओ यार गोली नंबर, चलो रे। रुको रुको जरा देख लो। सुनिए ना जी, हम बहुत थक गए। अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिए हमारा, चाय बिस्कुट ना सही, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक तो खिला दीजिए। बारात में आई है क्या? बारात का नाम मत लेना, हमारे लल्ला की शादी में हमारे सारे बाराती। ना पनीर मिला, ना दाल मिली, ना चावल मिला, कुछ नहीं मिला, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। मगर सास है हम आपके, कुछ तो लिहाज कीजिए ना। लाइन हाजिर कर दे, बताइए कैसा रहेगा। हाँ हाँ, और कुछ तो आता नहीं, बस धौंस जमानी आती। जल्दी कीजिए, देखिए क्या हो गया। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे इस महिला पुलिस थाना ने एक राई के तिल जैसे केस को पहाड़ बना दिया, बताओ भला है? बिना हमें परेशान किए आप लोग केस सॉल्व नहीं कर सकते क्या? सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई जब हसीना मलिक की याददाश्त चली गई है, वो पहले की तरह केस सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें केस सॉल्व करने क्यों दिया जा रहा है? किस केस का बात कर रहे हैं सर आप? जिस केस के बारे में सारा लखनऊ बात कर रहा है, सारे लखनऊ को जानकारी है, लाइव प्रसारण चल रहा है, हम सब जानते हैं। यहाँ कागज नहीं इसके पास, चेक करो अच्छे से। फोन 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 निकालो, फोन निकालो, न्यूज लगाओ, न्यूज न्यूज। महिला थाने की एसएचओ हसीना मल्लिक। अरे अब तक तो हम उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वो हमारे ही बेटे को उल्टा ज्ञान दे रही हैं। हमारे बेटे को कह रही हैं कि अपने से दुगने उम्र की औरतों को क्यों छेड़ रहे हो। इसे सिखा रही हैं चार पांच गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन अपनी उम्र की लड़कियों के साथ एंजॉय करो। और साथ ही मेरे बेटे के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं कि मेरा बेटा अपनी से दोगुनी उम्र की महिला को लव लेटर लिखता है। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय। जी जी सर। देख रही है ना, एक झमेला खत्म नहीं होता कि दूसरा झमेला आके खड़ा हो जाता है। हम हसीना मलिक को कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करें, तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। अरे भाई हम किससे स्पष्टीकरण मांगे और क्या जवाब दें ऊपर, बताओ। आप अपने साधन से हसीना मलिक को कांटेक्ट कीजिए और कहिए कि जल्द से जल्द वो आके हेडक्वार्टर मिले हमसे। जी 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 सर, जय। अगर ये मैडम सर होती तो बच्चों के साथ ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करती? हाँ और कीजिए लाड, और कीजिए लाड। मैडम सर, मैडम सर, अभी तो और भी देखिए क्या क्या कुल खिलाती आपकी ये लाडली डुप्लीकेट। अरे उमरिला का नंबर है? सबका नंबर मेरे पास। हाय आई एम द स्पाय। उर्मिला मातोंडकर अब भी ले लो। महादेव मात्रे का उर्मिला महादेव मात्रे। ओ उर्मिला महादेव मात्रे, वो दा उसको कल फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। लाओ लगाओ फोन, लगाओ। किसको? लगा उठाएगी उर्मिला को फोन, लगा उठाएगी। सब उर्मिला के पीछे पड़े हैं, मैंने लगाया था लेकिन उसने उठाया नहीं। वेस्ट टाइम वेस्ट मत करो, दिमाग कद्दाई हो रखा है, अभी फोन लगा। हाँ ये फोन लगा क्या? अब हमें वही, चलिए इतना पहुंच गए। माँ हम क्या रिक्त स्थान भरे? नहीं नहीं बिल्लू जी, उनके कहने का मतलब है कि करिश्मा मैडम पुष्पा जी को छोड़कर आ गई, तो पुष्पा जी दौड़ती दौड़ती आई है ना। हाँ तो आप रिक्शा से भी तो आ सकती थी। अरे हाँ माँ, सॉल्व दिस केस। ओके
लेट्स गो बाय रिक्शा पीछे हीरी कहाँ जा रहे हो फोन दो फोन दो फोन दो आई ले लो खोलो खोलो मेरे फेस से खुलता है हाँ तो खोलो खुल गया अरे टकला अच्छा हुआ तेरा फोन आ गया सुन मैं क्या बोल रही है अपने को ना अभी ये नाटक बंद करना पड़ेगा वो जो रॉबिन है ना उसके माँ बाप टीवी पे इतना बॉम्ब मारे मैं क्या बताऊँ रे तेरे को अभी अपने को ऐसा बंद करना पड़ेगा वो हंटर वाली को अगर मालूम गिर गया कि मैं उर्मिला महादेव मात्री है और हसीना मलिक बनने की एक्टिंग कर रही है तो वो तो मार ही डालेगी मेरे को बहुत भोकाल मचाएगी वो तो जानता है अच्छे से उसे हेलो सुन रहा है हेलो सुन रहा है कि नहीं तू इसको बोलो सब तना टना है कोई गड़बड़ नहीं हुआ है सब चौकस चल रहा है ये बोलो अभी इसको बोलो सब तना टन है सब चौकस है अरे वाह डार्लिंग क्या एक नंबर न्यूज दिए रे तू तू आज से मेरा टिपर मैं आती हूँ उधर थाने में अपन अपना डील फिक्स करेंगे कर लगा चल मिलते मैडम जिंदा मत छोड़िए मार मत देना प्लीज दुश्मन को माफ किया जा सकता तुम्हारे जैसे गद्दार को माफ नहीं कर सकते हम मैं गद्दार नहीं हूँ मैं गद्दार नहीं हूँ मैं आपकी पार्टी में हूँ अच्छा बिल्लू जी आप इस पार्टी में हो हाँ और वो दावत तो आप उर्मिला की पार्टी की उड़ा रहे थे क्या कहेंगे क्या कहेंगे बताओ ओके ओके मैंने उसका साथ दिया दिया मैंने उसका साथ दिया निठल्ले मैंने उसका साथ दिया इसीलिए दिया क्योंकि वो जो हसीना मलिक है अगर वो एक्चुअली हसीना मलिक निकली तो अच्छा इस अपने थाने को मैडम सर मिल जाएगी इसीलिए इसीलिए मैंने उसका साथ दिया हमें मत चढ़ाओ ये भावनाओं का चूरन हम नहीं आएंगे तुम्हारे इस प्रपंच में वैसे सारा दोष ना उस लोमड़ी का है उर्मी का हाँ। अपने हमशक्ल होने का फायदा उठा रही है वो हद तो देखो लड़की की करिश्मा मैडम के भोकाल को चुनौती देखिए आप सर आपके उस ऑफिसर ने मेरे बेटे के खिलाफ इतना थर्ड क्लास एलिगेशन लगाया है और वो भी उस आदमी की बातों में आकर उसकी ये चाल थी कि मेरे बेटे को वो गलत इल्जाम में फंसाना चाहता था जिससे मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ इस पार्क में खेलने ना आ सके देखिए हमारी समझ में ये नहीं आता कि किसी बच्चे को पार्क में खेलने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या तकलीफ हो सकती है सर असल मामला ये है कि ये बच्चे ये जो बचपन से इस पार्क में खेलते चले आ रहे हैं ये पार्क उस अमित के घर से लगा हुआ ठीक उसके घर के सामने है वो अमित इस पार्क को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और इसीलिए उसने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा है वो भी आपकी नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर के कंधे पे बंदूक रखकर देखिए हम सब जानते हैं और हम अब कुछ कुछ समझ भी रहे हैं इसकी निष्पक्ष जांच होगी और हम आपसे वादा करते हैं जो कोई भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी और उसे दंड दिया जाएगा बस आप हम पर भरोसा कीजिए और अब ये अनशन बंद कीजिए जब तक आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेते तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा और ये अनशन तब तक जारी रहेगा क्यों भाइयों हाँ हाँ पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय अजीरा मलिक इस्तीफा दो अजीरा मलिक इस्तीफा दो क्या करने वाले हो रे नमाज चुप हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा गलती होगा कि तुमको मैडम सर बना के यहाँ लिया है लेकिन आज आज तुमने ना अपनी सारी हदें पार की है और मिला माते मात्र हम तुमको बता रहे हैं अरे क्या रे तुम लोग मेरी बात को इतना काहे के लिए सीरियसली ले रहे मजाक किया ना मैंने डाल लिया मेरे को छोड़ देना प्लीज ओके मैं नहीं करूंगी कभी ऐसा प्लीज छोड़ दे शुरू करूं मैडम बिल्कुल दूसरों का बैंड बजाती है ना ये जब इसका बैंड बजेगा ना तो इसको पता चलेगा कि कैसा लगता है करो शुरू ए क्या करो क्या शुरू करने वाले ये क्या कर ये क्या कर रहे हो आपको पंख लगा रही है कि जो आप इतना फुदक रही नहीं 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 मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो नहीं 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 मेरा फेफड़ा मारेगा मेरे को छोड़ दो सब जानते हैं जय हिंद सर जय हिंद अरे भाई ये हो क्या रहा है यहाँ चल क्या रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है
एक सेकंड में वाट लगा देगी मैं तुम सबकी। इसको टकले का सच बता दिया ना अभी तो तुम लोग की नौकरी भी जाएगी, ये थाना भी बंद होएगा। बोलो, बोल दो सच। तुम वही तो कुछ नहीं बोलोगे। सर 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 आप टेंशन मत लीजिए, ये जो देख के अजीब लग रहा है ना वो हम यहाँ पर एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहीं पढ़ा है करिश्मा सिंह ने कि हाथ पैर बांध कर गुदगुदी करने से ना ऐसे मेमोरी में शॉक लगता है और उससे याददाश्त वापस आती है। बस वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुझ पर। खैर कोई बात नहीं, करिश्मा सिंह यहाँ आइए। जी 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 सर, जाइए जाइए, हमें जाइए करिश्मा सिंह। जी सर। हम सब जानते हैं जब आपको पता था कि उनकी याददाश्त चली गई है तो हसीना मलिक को पार्क में भेजने की आवश्यकता क्या थी। इस मामले में देखा जाए ना तो हसीना मलिक से ज्यादा गलती आपकी है। शाम तक अनशन खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो आप सभी लोगों का सस्पेंशन लेटर हमारे टेबल के ड्रावर में रखा है, बस साइन करने की आवश्यकता है। समझ गई है?